चलो जी बिस्मिल्लाह रखा चले जी ऐसा ये आ गए हमारे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कुछ नहीं पहन के है भाई? मैंने कहा कुछ पहन के नहीं आए, ट्राउजर में है। वाह वाह, फॉर्मल जा रहे हो। अभी सबसे पहला काम तो हमारा, यार इसको तो बंद करो, सबसे पहला काम तो हमारा है जी, अभी पेट्रोलिंग करवानी है। पेट्रोलिंग तो नहीं, खैर पेट्रोल भरवाना है, फ्यूलिंग कहते हैं इसे, फ्यूलिंग करवानी है। फ्यूलिंग करवा के है नाकाम इंग्लिश बोलने की ट्राइयां। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 12 बजे जो है हम लोग जीटी रोड चढ़ गए हैं। मैं बस देख रहा हूँ वैस सिग्नल क्रॉस करके पीछे है, आ गया। ठीक है चलो जी बिस्मिल्लाह रखा चले जी वाह साहब। हमने का सफर के इफ्तिताह से कह रहा हूँ, स्टार्ट से पहले जरा थोड़ा सा ना क्या उसे कहते हैं, चाय शाय पी ली जाए। वज़ीराबाद पहुंच गए थे हम 1 घंटे पहले तकरीबन, और पहुंचने के बाद 1 घंटा हो गया चिल मार रहे हैं। खैर नाउ इट्स टाइम टू लीव, बाइक चेक हो गई है गर्म शर्म, चलो चले फिर। हाँ जी मिस्टर स्टेटस चलिए। स्लो डाउन आगे आबादी है, मुझे लगता है इसका मतलब एक्चुअली में क्या होना चाहिए, ये इसके जगह इन्हें लिखना चाहिए जी स्लो डाउन आके खड्डे हैं खानी खत्म। जैसे इन्होंने ये कह दिया ना, ओ खैर तो अब आपने वैसे ही स्लो हो जाना, और होता भी वैसे ही आगे जाके आपको वही खड्डे जो है ना वो होल सेल में मिल रहे होते हैं। तो गुजरते हुए हमें नजर आया जी मियाँ जी की दाल, तो सोचा क्यों ना रुका जाए। 12 किलोमीटर मिनट से ज्यादा जा रहे हैं। नहीं स्पीड बड़ी सही जा रही है, ये तो रोड भी अच्छा हो गया आगे। ये है वो जी क्या कहते हैं जी मियां जी की दाल। खाना शाना खा लिया वे, अब जाने का टाइम है। तो रहा इधर, हाँ ये ठीक है। वापस गया उठाने के लिए, वो कहाँ गिरी थी? रेड थी गई उठा लिए। ऐसे ये सुहावा है, इस एरिया का नाम सुहावा है, और आगे गोचर खान आ रहा है।
फाइनली तकरीबन 7:02 पे, यानी कि अच्छे स्केजुल के साथ हम लोग इस्लामाबाद एंटर होने लगे हैं, यानी कि ये वेलकम टू इस्लामाबाद का बोर्ड आ गया। देखो 15-16 किलोमीटर जो है आगे हमारी डेस्टिनेशन है जिस जगह पर हमने जाना है। मुझे लग रहा है कि शायद आज परेड भी है। यस, तो ये रास्ता क्यों बंद है बॉस? अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा रास्ता क्यों बंद है? है 3 मार्च हो रही, 3 मार्च। अच्छा परेड हो रही है? हाँ परेड हो। अच्छा ठीक है, चले मेहरबानी। मैं भी तब से यही सोचा था कि अभी तक कोई यैन की नहीं आया, और यैन आ गया। यैन का नाम लिया, यैन हाजिर। कैसे निकलो? बस एक बंदा जाए सामान रखे और टूर पे। रस्ते भाई सारे ही बंद है अभी फिलहाल। 5-6 रस्ते ट्राई किए हैं, सारे रस्ते बंद हैं, और फिलहाल जवाब ये मिला है कि मरी उड़ के जा सकते हैं और कोई हल नहीं है। तो यार ये क्या सीन है, बहरहाल लग से देखते हैं क्या होता है। अभी तो खजर खुवारी जो है ना इस्लामाबाद और उसके मज़ाफात में जो है वो खजल खुवारी का टाइम चल रहा है। ऊपर से वैसा मिसप्लेस हो गया है और सिग्नल भी नहीं आ रहे यार। अच्छा ये एक रास्ता है, ये मैंने सिलेक्ट किया है। मैंने क्या सिलेक्ट किया, मुझे एक ऑर्डर ने बताया था कि आप यहाँ से जाएं, और पता नहीं कौन से पुल से आना था इधर। बहरहाल वो किसी तरह ही ऊपर कसूरी वाला पुल था, क्या नाम था, ऐसे कोई नाम था। बहरहाल उस पुल से मैं घूम घूम आकर पूछ पूछ आकर इस रोड पे हूँ, और अकॉर्डिंग टू बताने वालों के मैं इससे मरी रोड तक चला जाऊँगा। रोड चेक करें यार, मतलब मैंने ये रोड देखा हुआ है, दिन में भी देखा हुआ, काफ़ी टाइम हो गया मरी के। एक दफ़ा ही गए थे मरी हम लोग इस रूट से, और मरी नहीं गए थे एक्चुअली, मैं हम लोग नारायण कॉलोनी गए थे, रूट हमने यही यूज़ किया था। यहाँ से हम लोग आके एटाबाद निकल गए थे। तो बहरहाल भूख और प्यास तो शिद्दत पे थी, तो मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें। ये देखिए आपके भाई का रहा हूँ, तो रेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो रब्ता हो गया आधे एक घंटे तक। अच्छा बाइक चलाते हुए ना मुझे एक चीज़ याद आई, मेरी बाइक जो है ना न्यू बाइक है, ये सबको ही पता है, और जिनको नहीं पता तो उनके लिए कि ये बाइक न्यू बाइक अभी मैंने ली है। और इवन के मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी इसे लेके जाने के लिए, अभी ये 1070 किलोमीटर हुई है, और जो लाहौर से यहाँ तक का सफ़र है ना तकरीबन वो इसमें से आप 450-450 निकाल लें। और दूसरी जो बाइक है मेरे साथ, जो दूसरा बॉय है अवैस, उसके पास जो बाइक है वो भी 600-550 किलोमीटर चली हुई थी जब वो लेके आया था, या 700 थी, 100,000 ही थी, यानी वो भी न्यू ली है। 1.5-2 हफ्ते पहले उसने बाइक ली है, ये बाइक न्यू है, GS 150 है उसकी। इधर तो भाईजान सारा कुछ ही टूटा पड़ा है, मेरे ख्याल से पिछले कुछ 5-6 किलोमीटर बल्कि ज़्यादा ही हो गए यार, पिछले को 20-25 मिनट से ज़्यादा हो गए हमें ऑफ रोडिंग करते हुए।
फैजाबाद 35, नीलम 130। आप सही रोड है, नारायण से ना गड़ी अभी बोला से इधर आ गया था मुजफ्फराबाद, यहाँ से वापस आया था। फिर ये पहाड़ों की लेयर्स बनी हुई है, ये कश्मीर का जो है ना वो लेवल है, कश्मीर है ना। और कहते हैं सबस रंग अगर आपको बहुत पसंद है ना तो साफ कश्मीर आ जाओ। नोट है सो फाइनली वो टाइम आ गया जिसका था इंतजार, मुजफ्फराबाद आ गया। मुजफ्फराबाद का लंदन ब्रिज, ये मुजफ्फराबाद सिटी है पूरी। लो जी प्लान है जी, वैसा वो भी यहाँ से कुछ खा लेते हैं। भरल क्या नाम था इसका, कौन सी शिनवारी, गनी गुलान शिनवारी, गुलान शिनवारी। फाइनली खाना छाना खा के रेस्ट रुस्ट करके अब टाइम है जी टुवर्ड्स नीलम। हाँ हाँ मिल जाएगा। अच्छा अभी प्लान में यही है कि मुजफ्फराबाद क्रॉस करना है और एज मैक्स जो कि सेफली हम मतलब जिसमें रात में भी ट्रैवल में मसला ना, वहाँ तक हमने पहुँचना है। आगे नीलम रोड पे चढ़ेंगे, मेरे एक अंदाजे के मुताबिक ना हमें शायद 45 किलोमीटर अभी भी रहता है। अच्छा अभी हमारे रास्ते में ये कोई पॉइंट है, अभी आगे चल के किसी से पूछते हैं ये क्या है।
हाँ जी वैसा आप अभी तक कैसा लगा कश्मीर आपको? यार बेस्ट प्लेस है। तो अभी आप इसको रेटिंग, अभी इतना अभी तो देखा नहीं है, 18 घंटे से हम बाइक चला रहे हैं और अभी भी हम थके नहीं है। हमने लॉन्गेस्ट राइड की है अभी तक, जितनी भी की होंगी राइड है ये बहुत लंबी राइड। हाँ बिल्कुल ऐसे, ये रात सोए भी नहीं है, रेस्ट भी नहीं किया। हाँ मैंने भी वैसे 3 साल पहले देखा था, लेकिन मुझे खुद मुझे लग रहा है वो मैंने दूसरा लाइट वेरियंट देखा था। नहीं यार बड़ा प्यारा है यही, कितना अच्छा भला है यार, इसका नाम ही सुना है धरी वाटरफॉल। ये है धरी वाटरफॉल, बहुत ज़्यादा हेवी है वैसे, है ना। रूम हम लोगों ने भी किया है बुक,